Ok, d'accord. Aujourd'hui, on va apprendre la quantité. Today, we're going to learn article partitive du, la, de l'apostrophe, du envoyer. So, l'expression de quantité. अब हम ये सीखेंगे कब हम article partitive इस्तेमाल करते हैं. Normally, article partitive article हम चीजों और गिजाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब पहला जुमला अगर आप पढ़ें, Je vais acheter du pain. Je vais acheter du pain. This means I am going to purchase some bread. So, अब मुझे बताएं यहाँ पर, is there any idea of quantity, Mr.? Yes. Yeah? Yes, nahi? No. Je vais No. acheter du pain. He said, du pain means some only, some. Some only. So, there is no idea of quantity. देखें, कौन ने पूपा कौनते, जब हम गिन नहीं सकते. यानी, अभी ये कोई एक रोटी लेने नहीं जा रहा, ठीक है? तो ये जब हम यानी डू यानी आर्टिकल पार्टिटिव हम गिजा फूड के लिए आइटम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें हमारे पे कोई आइडिया नहीं होगा. सपोज दैट अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास गेस्ट है और जो है हम उसको बिस्किट्स ऑफर करते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं, वो वुले मोजे दे बिस्क्वी. आ रहा समझ में? वो वुले मोजे दे बिस्क्वी मस्यू, डू यू वॉन्ट टू ईट बिस्किट्स. अब यहाँ पर कोई आइडिया नहीं कितने, जाहिर है एक बिस्किट तो वो नहीं खाएगा, तो इसलिए हम डी एस लगाएंगे प्लूरल वाला, ठीक है? अब यहाँ पर इसी तरह इस नीचे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ देखें कौन प्यूपा कॉम्प्टे, इसका मतलब है जब हम गिन नहीं सकते. तो जे वेज अशेते दुपा, आई एम गोइंग टू परचेज, आई एम गोइंग टू बाय सम ब्रेड. अच्छा, अब ये जुमला पढ़िए प्लीज. Je voudrais un pain. वेल डन. जे वुड्रे अ पान, आई वुड लाइक a bread. मैं एक रोटी खाऊं, जिसको हम उर्दू में एक रोटी का सवाल, एक रोटी मैं चाहूंगा. अब तो लड़के ने इससे पूछा, आपा डू कंपन अ ब्रेड फ्रॉम कंट्री साइड. तो अब मुझे बताएं, इज देयर आइडिया ऑफ क्वांटिटी? यस देयर इज, बिकॉज ये एक एक का इशारा कर रहा है, आप देख रहे बेगर आई थिंक. कौन पू कौमते, कौन पू कौमते मतलब जब हम गिन सकते हैं कोई चीज तब हम काउंटिंग इस्तेमाल करेंगे. मिसाल के तौर पर जबुद्रे आपका जबुद्रे अ किलो दू सीख, आई वुड लाइक अ किलो ऑफ शुगर. जबुद्रे अ पैकेट दू सिगरेट, आई वुड लाइक अ सिगरेट पैकेट. आ रहा समझ में? जी बिल्कुल. अच्छा, आपा दू कंप ये हो गया. उसके बाद यहाँ कौन आपा दीद दू कंतीते. Another time when there is no idea of quantity. No, je n'aime pas le pain du campagne. So, ab yahan par ye keh raha hai, no, I don't like the bread of countryside. Ab yahan par isi sentence ko inhone samjhane ke liye negation mein kiya hua hai. Matlab, ab jab negation, agar main is jumle ko negative karunga, to main ye to nahi bolunga ki main ji ek roti nahi chahta. Aa raha samajh mein? ठीक है, तो इसलिए इन्होंने ये नंबर्स को खत्म करके आर्टिकल डेफिनेट यानी लो ला में से लगा दिए. ठीक है, नो जो निम्पा लुपा दू कंपन, आई डोंट, नो आई डोंट लाइक द ब्रेड ऑफ कंट्री साइड. ठीक है, ये हो गया. अब यहाँ पर देखें, वो बोले दोला बियर. अब मुझे बता दें कोई आइडिया है क्वांटिटी का? नहीं, इधर नहीं, क्योंकि अब हम ये इसका मतलब है, वू विले दुला बियर, डू यू वांट सम बियर. सम इंग्लिश में ट्रांसलेशन में हम लगा सकते हैं, डू यू वांट बियर, बिकॉज देयर इज नो आइडिया ऑफ क्वांटिटी. नो जे ने वू पा दू बियर. नेगेशन में एज आई टोल्ड यू, रिमेंबर दैट वी एड द, ठीक है, आफ्टर पा. इज इट क्लियर टू यू? ठीक है ना, क्योंकि जब हम सवाल में दू दुला एपोस्ट्रोफ और दे होगा तो उसको नेगेशन में हम पा के बाद दू लगाएंगे. इसका एक्सेप्शनल रूल. सो जे ने वू पा दू बियर, आई डोंट वांट बियर. जे नेम पा ला बियर, आई डोंट लाइक द. अब यहाँ पर चूंकि ये बियर को कह रहा है कि मुझे बियर पसंद नहीं है, लिहाजा दोबारा से आर्टिकल डेफिनेट आ गया. ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाए ले मो दू कॉन्टिटे. अब ले मो दू कॉन्टिटे द वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी का अन पू पा कॉम्प्टे. अभी दो कॉलम में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जब हम गिन सकते हैं दूसरे, जब हम गिन नहीं सकते पहले वाले में, ठीक, दूसरे वाले में कौन पू कॉम्प्टे, जब हम गिन सकते हैं. अब मिसाल के तौर पे आपको चाय पीनी है. अब जाहिर है चाय पीनी है तो उसको उसमें कोई आइडिया नहीं है काउंटिंग का, या मेजर नहीं कर सकते हम. जे वू दूते, आई वांट सम टी. जे वू आप दूते, मैं थोड़ी बहुत चाय चाहता हूँ. जे वू बुक दूते भी लगा सकते हैं, ठीक है. आई वांट्स लॉट ऑफ टी, ठीक है. अब इस कॉलम में कोई यानी चाय की क्वांटिटी या उसका कोई अंदाजा हमें नहीं है.
अगर इसी जुमले को हम उस तरह इस्तेमाल करें जिसमें हमें क्वांटिटी या नंबर्स या एक अंदाजा देना है गिन के. Je veux un livre. I want a book. Because we यहाँ पर book को हमने specify करना है कि एक book चाहिए, इसलिए je veux un livre. Je veux deux, trois et sept livres. आ रहा समझ में? जी जी बिल्कुल. ठीक है. Tell me if I go fast. ठीक है. Je veux quelques livres. Je veux quelques livres. अब quelques का मतलब है basically some books, but some these sums can be counted. बाद में इसको गिना भी जा सकता है. Plusieurs livres, several books, beaucoup de livres, tous les livres. तो अब ऐसा आइटम जो गिना भी जा सकता है. बुक है डेफिनेटली, चाय को हम तो गिन तो नहीं सकते ना कप में कितनी चाय, मगर चूंकि बुक्स जो है काउंटेबल आइटम है, तो जहां पर ऐसा आइटम आ जाए जिसको हम गिन सकते हो तो उसमें हम प्लीज जो कैल को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, बट डेफिनेटली एट द एंड दे माइट बी काउंटेड. यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. अब आ जाए कैल के शोज ने रिया, कैल के ने पर्सन. अब ये दो एक्सप्रेशन है ने रिया ने पर्सन के. सो जिस तरह फ्रेंच में हम ने पा का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, इसी तरह दूसरे एक्सप्रेशन भी होते हैं ने के साथ. ठीक है. सो ये हो गया ने रिया. सो ने रिया का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं. ठीक है. और ने पर्सन का मतलब होता है नो बडी. ठीक है. कोई भी नहीं. सो अब देखें यहाँ पर इसको किस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया. वू वू ले कैल्के शोज अ बुआ. Do you want to drink something? अब इसने जवाब दिया non, je ne veux rien. Non, je ne veux rien. क्या मतलब वो बताइए? नहीं, thank you. I don't want anything. Well done. अब अगर इस जुमले को मैं छोटा करता और मैं खाली रिया बोल लेता जब भी बात बन जाती रिया. यानी अगर मुझसे किसी ने पूछा vous voulez quelque chose à boire monsieur, मैं बोल दूं रिया, तो इससे भी बात हो जाएगी. यानी कुछ नहीं, नथिंग. तो रिया कैन बी यूज्ड ओनली नथिंग. आ रहा समझ में? यस. अच्छा, मिसाल के तौर पे आपने, मैंने आपको कोई काम दिया, एक्सरसाइज, मैंने पूछा est-ce que vous avez fait ces exercices que je vous avais donné hier, आपने कहा रिया, कुछ नहीं. ठीक है जी. इस तरह भी हो सकता है. Il y a quelqu'un dans la cour, is there, ये वाला सेंटेंस पढ़ रहा हूँ. ठीक है. Il y a quelqu'un dans la cour. Is there anyone in the courtyard? वो पीछे घर के देख रहा है कोई है वहां पर. तो जवाब है non, il n'y a personne. Non, il n'y a personne. There is nobody. ठीक है जी. अब इस पर्सन को भी मैं अकेला इस्तेमाल कर सकता हूँ. मिसाल के तौर पे आज क्लास में कोई नहीं है और मैं भी एबसेंट है एज ए स्टूडेंट, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ est-ce qu'il y avait des étudiants dans la classe aujourd'hui? Were there student in the class today? आपने कहा person. खाली person भी बोल सकते हैं, इसका मतलब nobody was there. ठीक है जी. Okay. ये expression एक हो गया. उसके बाद आ जाए encore ne plus. Encore. Encore का मतलब French में दो होते हैं, इसका मतलब यानी again, ठीक है, और still और yet. ये सारी चीजें encore से ही express होंगी. ठीक है. Ne plus is expression like nepa. मिसाल के तौर पे ने पा, ने पर्सन और ने रिया आपने इस्तेमाल किया. अब ने प्ल्यू, बट ने प्ल्यू का मतलब होगा ज्यादा नहीं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नो मोर. ठीक है जी. अब इस पे इस्तेमाल देखें. उसके बाद अनोथो, अनोथो पादो. अब अनोथ का मतलब है एनदर और पादोथ और नो अदर. अब देखें इल रेस्ट आंको डू कैफे. इज देयर स्टिल लेफ्ट सम कॉफी, इसका मतलब ये बनता है il reste encore du café, abhi bhi kuch coffee bachi hai. So il n'y a plus du café. To answer aaya there is no more coffee. Aa raha samajh mein? Yes. Ab plus ko agar main khali ne ke bagair istemal karun to kis tarah istemal karunga? Misal ke taur pe agar koi shakhs zyada baat karta hai to main isko imperative sentence French mein bol sakta hu ne parle plus. Acha, matlab ne ke sath agar imperative mein istemal karun to is tarah karunga ne parle plus. मीन्स ज्यादा बात नहीं करें. ये तो ये हो जाएगा इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है जी. यानी हुक्मिया और इनकारिया ने पागले प्ल्यू. या अगर हम प्ल्यू को और खाली इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे मैं रात में ज्यादा नहीं खाता, अगर मैं ये बोलूँ मैं जो ने मोश प्ल्यू दोला न्यूवी. आ रहा समझ में? जी जी. तो प्ल्यू अकेला भी इस्तेमाल हो सकता है और ने के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है. ठीक है. अब आ गए वो वूले अनोथ प्यूती का. तो अच्छा, आप जरा पढ़िए.
I wanted to interrupt. Vous voulez un autre petit gâteau? क्या मतलब इसका? Would you like to have another piece of cake? Do you want to have another piece of cake? Très bien. Answer कीजिए please. Non, merci, je ne veux pas d'autre petit gâteau. Well done. Non, merci, je ne veux pas d'autre petit gâteau. Kya matlab wo? No, thank you. I don't want any other piece. Any more other pieces of the cake. Well done. Je ne veux plus de petit gâteau. Abhi dusri sentence unhone negation bana diya. Je ne veux plus de petit gâteau. यानी दी का एडिशनल इन्होंने दोबारा किया यहाँ पर, चूंकि वो आर्टिकल पार्टिटिव इधर इस्तेमाल हो रहा था. ठीक है, सो ये तो एक्सप्रेशन हमने यहाँ सीखे. अब हम जो इसके लेसन पे भी जाएंगे, इससे पहले मर्सी ओवा पूर सा.